कपा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 3600 वादे किए थे, पर अब तक वादों को पूरा करने की शुरुआत भी नहीं की है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले बेरोजगारों को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। राज्य में 25 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं, इसमें से किसको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। इस बात पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि फिलहाल बेरोजगारी भत्ता देने की सरकार की आर्थिक स्थिति नहीं है। बेरोजगारी भत्ते के बदले सरकार अभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे रही है। बेरोजगारी भत्ता देने के लिए अभी 5 साल का समय है। तो उन घोषणाओं को शुरू तक नहीं किया है उन्होंने। मैं युवाओं की बात कहती हूँ, उन्होंने कहा कि युवाओं को हम 2500 रुपए प्रति माह भत्ता देंगे। आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री जी के दरवाजे से एक युवा आत्मदाह कर लिया, तो सिर्फ बेरोजगारी भत्ता के लिए रोजगार के लिए। बेरोजगारी भत्ता देने की अभी प्रदेश की आर्थिक स्थिति नहीं दिख रही है। जैसे मैंने बताया था कि 3000 करोड़ रुपए लगेंगे सीधा अगर उसको हम करते हैं, और रेणुका जी ने अगर घोषणा पत्र पढ़ा होगा तो उसमें 10 दिन वाली बात नहीं, 5 साल का समय है, उसके लिए समय देना होगा, व्यवस्था बनानी पड़ेगी।